गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूँ इस वंडरफुल बिजनेस मीटिंग में। मेरा नाम पंकज जसातिया है, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, जम्मू हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली एज ए करियर बिल्ड कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया दिन है आज, और आज जो प्रेजेंटेशन होने जा रही है वो और भी बढ़िया होने जा रही है, क्योंकि जो हमारे बीच में आज स्पीकर है वो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही डायनेमिक स्पीकर है और बहुत जबरदस्त स्पीकर है। उनकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली होती है और बहुत हेल्प कर दी है हमें इन फ्यूचर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी डायरी पेन रख लें अपने साथ, और उनका जो भी बातें वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है हमें इन फ्यूचर। तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी रिकोगनाइज होते हो आप, जब भी हम आपको रिकोगनाइज कराते हैं, आप इंट्रोडक्शन देने के टाइम जरूर अपना वीडियो ऑन किया करें। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच अभी मैं कॉल करूंगा हमारे आज के स्पीकर कपल को। सो हेल्प मी वेलकम आवर टुडेज स्पीकर, प्लैटिनम डायरेक्ट्स गोइंग फाउंडर्स प्लैटिनम दिस ईयर, मिस्टर हेमराज एंड पूजा वर्मा जी ऑन स्टेज। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू पंकज। आवाज आ रही है पंकज? पंकज आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। तो एक तो आप पहले चेक कर लो बोर्ड शोर ठीक है इधर। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है, कीजिए कंटिन्यू। क्लियर है जी? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पंकज। पहले तो सबसे पहले पंकज के लिए क्लैपिंग, जो हमारे आज के होस्ट हैं और बहुत ही यंग एज के अंदर इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया हुआ है। तो अभी आपने उनकी इंट्रोडक्शन सुनी ली है, ये एडवोकेट हैं साथ में और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और हमारी ग्रेट अपलाइन विजय भैया के ये छोटे बेटे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये होस्टिंग करते हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम हेमराज वर्मा है, गवर्नमेंट जॉब करता हूं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में एज इंस्पेक्टर में वर्क करता हूं वहां पे। तो आज हमें मौका मिला आप सब लोगों के साथ बात करने का, इस प्रेजेंटेशन को दिखाने का। तो आई होप कि जितना हम हमारे से बेस्ट होता है हम उतना अच्छे से आपको ये बिजनेस प्लान शो करेंगे। तो मैं अपने बारे में बताऊँगी, मैं जब जॉब में था तो मैं सोचता था कि कुछ ना कुछ जॉब के साथ करना चाहिए। तो बहुत सारे काम किए पर हम इतने कामयाब किसी भी काम के अंदर हुए नहीं, क्योंकि हर काम के अंदर इंसान की क्या चाहिए होती है, अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे काम हमने शुरू किए पर हर काम के अंदर हम फेल हुए। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस था कि जिसमें फेल होने का कोई मतलब की चांस ही नहीं है, ठीक है। फेल तो वही होता है जो निकल जाता है इस बिजनेस से बाहर, तब वो फेल होता है, नहीं तो इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता। अगर वो बिजनेस में रहेगा तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन का हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। और जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब हम ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी वाइफ कहती थी कि मैंने जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है। तो मैंने सोचा इसने क्या जॉब करनी है और मेरी ड्यूटी लग जाएगी डबल छोड़ने की लेने की। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। मैंने सोचा था अगर 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये भी अगर इस बिजनेस से आ जाते हैं तो एक तो इसकी जॉब वाली क्या हो जाएगी, जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, दूसरा है कि हमारे क्या हो जाएगी एक इनकम के अंदर कुछ प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा एक जीवन है वो थोड़ा और अच्छे से चलने लगेगा। पर बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो हम प्लान के दौरान ही बीच में करेंगे कि कैसे कैसे हम इस बिजनेस के अंदर आए, कैसे कैसे हमने मतलब कि हमारा जो विश्वास है इस बिजनेस के अंदर बना। तो जब पहले हम बिजनेस में हमारा इतना विश्वास नहीं था, पर प्रोडक्ट के अंदर हमारा बहुत विश्वास था, क्योंकि प्रोडक्ट हम यूज करते थे और बिजनेस बिल्ड नहीं करते थे। तो प्रोडक्ट का तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, और जैसे जैसे हम हमारी जो दोस्ती है विजय भैया और विजय भैया के साथ हुई, तो उन्होंने हमें एक एसोसिएशन देते रहे, जिसके कारण आज हम इस बिजनेस में एज ए प्लेटर में आपके साथ बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं, प्लान शुरू करते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इन शॉर्ट थोड़ा सा मतलब कि जितना शॉर्ट होगा उतना हम प्लान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो क्या आ जाए, समझ भी आ जाए। तो बात हम शुरू करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कोई कारण होता है, वाय, ठीक है ना, वाय से बात शुरू होती है, कोई भी बात जो है ना वाय से शुरू होती है। अगर हम बात करें, मैं कुछ दो चार चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा, जैसे हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेते हैं, क्या कारण है एजुकेशन लेने का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जॉब करते हैं, क्या कारण है जॉब करने, फिर कोई बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड या कोई अपना काम खुद का करते हैं, क्यों करते हैं, हर चीज के आगे क्या है, फिर क्या है प्रोफेशनल, हर चीज के पीछे वाय है। और अगर इसका जो 99% अगर मैं वाय देखूं
तो 90 क्या 100% ही है, वो क्या है, मनी, पैसा। एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है भाई, अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी करेंगे तो क्या होगा, पैसा बनाएंगे अच्छी नौकरी करके। जॉब करते हैं क्यों करते हैं? पैसे के लिए। कोई बिजनेस करते हैं पैसे के लिए, कोई प्रोफेशनल बनते हैं तो पैसे के लिए। ये डिपेंड करता है हम कौन सी मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके हमें क्या बेनिफिट होंगे। पर अल्टीमेट अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, मनी, पैसा हर किसी को चाहिए। अगर पैसा यहाँ से निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, या हमें जॉब पर जाने की जरूरत है, या बिजनेस करने की जरूरत है, प्रोफेशन बनने की जरूरत है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम पे, क्या है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मतलब कि पैसा परमात्मा तो नहीं है, पर परमात्मा से कम भी नहीं। ठीक है, आज अगर आपको स्पिरिचुअल भी अगर आपने कोई कोई काम करना होगा ना, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कोई क्या है इसे कमाने की कोशिश कर रहा है। और वो कमाने की कोशिश क्या कर रहा है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, जहां जो उसको क्या होता है मौका मिलता है, उस फील्ड के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है। अब बात करते हैं कि पैसा क्यों चाहिए होता है हमें। ठीक है, पैसा हमें इसलिए चाहिए कि हमारी कुछ क्या है जरूरतें हैं, और कुछ हमारे सपने। अगर हम बात करें तो ये जो पैसा हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ नीड्स हैं, और कुछ क्या हमारे ड्रीम्स हैं। अब अगर हम नीड्स की बात करें तो नीड्स आज के टाइम के अंदर क्या है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, बेटर एजुकेशन फॉर चाइल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका आज के टाइम में व्हीकल, फिर उसके बाद आ गया बैंक बैलेंस, गुड हेल्थ, ठीक है, ट्रैवलिंग, पेरेंट्स हेल्प, गुड हेल्थ। तो ये सारे के सारे क्या हमारे नीड्स हैं। पर अगर हम देखें, ये हमारे पास नीड का सर्कल है, ये हमारी इनकम का सर्कल है, और इनकम का सर्कल छोटा है और नीड का सर्कल क्या है, बड़ा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी क्या करता है, अपनी नीड्स को किस चीज के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, वो है इस सर्कल के अंदर, जो हमारा इनकम का सर्कल है। हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स को छोटा करते हैं। जैसे रोटी, रोटी तो जब हम शादी में जाते हैं तो वहां तो बड़ा कुछ खाते हैं, पर घर में क्या हम ऐसा खाते हैं? ठीक है, वहां हम एक ही सब्जी या दो सब्जियां होगी, उसी से काम चलाते हैं। और जब शादी में जाते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं उसके अंदर, इतनी वैरायटी होती है, वो सारी की सारी कहाँ होती है, हमारे पेट के अंदर जाती है। ठीक है, वहां हमारे पास जब शादी में होता है तो वहां तो कैपेसिटी बन जाती है हमारी, पर घर में भी तो कैपेसिटी होती है, पर क्या हमारा बजट हमें अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर हमने एक सैलड रोज अगर खाना हो, हम वो भी अफोर्ड नहीं करते रोज। ठीक है, एक सैलड अगर बनाना है तो कम से कम एक प्लेट, 100 रुपए की सैलड प्लेट बनती है, जो हम पूरी फैमिली क्या कर सकते हैं, नहीं तो एक ही खीरा चलता है, उसको काट कूट के क्या करते हैं। तो कहने वाले, रोटी भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी की नहीं खा रहे हैं। उसके बाद कपड़े की बात क्या करते हैं, ठीक, कपड़ा जब हम मार्केट में जाते हैं, देखते कुछ और लेके कुछ और आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मकान, जिस मकान में हम रहना चाहते हैं, ठीक है, उससे भी अच्छे मकान है, उससे अच्छे मकान में रहना चाहते हैं, पर हम रह किसके अंदर रहे हैं, जो हमारे बजट के अंदर है। फिर उसके बाद मोबाइल, ठीक है, आजकल तो स्मार्टफोन का, आईफोन का क्या जमाना आ गया। ठीक है, हर आदमी क्या रसा दिखाना चाहता है, मेरे पास बढ़िया मोबाइल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, फिर बेटर एजुकेशन फॉर चाइल्ड। आज सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है एजुकेशन। हम सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले लेंगे तो वो क्या होंगे, जिंदगी में अच्छे सर्वाइव कर जाएंगे। पर आज अगर एजुकेशन अगर हमने लेनी है तो दोस्तों आप सोचो, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उससे अच्छे स्कूल हैं? ठीक है, अगर वो जो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिन्होंने अच्छी इंस्टीट्यूशन से क्या किया होगा, पढ़ाई की होगी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। जो हमारे नॉर्मल जो आम जो स्कूल होते हैं, उनको प्रायोरिटी क्या मिलती है, कम मिलती है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि बेटर एजुकेशन को क्या किया जा रहा है, महत्व तो दिया जा रहा है। उसके बाद आ गया आपका व्हीकल। ठीक है, और आज पहले गाड़ी क्या होता था, ड्रीम होता था, पर आज गाड़ी क्या है, आज के टाइम में जरूरत है। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में क्या हो, अगर बंदा घर से क्या निकले, ऐसे टाई शाई पहन के निकले और बाइक भी तैयार होके निकले, और अगर वो क्या जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, तो आधे, आपको पता है कहीं बारिश होती है तो कहीं नहीं होती है, तो आधे रास्ते में अगर बारिश होना शुरू हो, सोचो उस टाइम पता चलता है कि हाँ भाई क्या। जहाँ फिर हमारे विजय सर जो बताते हैं कि जब किसी शादी में जाओ तो रात को जब घर जाना होता है वापस, तो फिर एक दूसरे की क्या बोलते हैं, लिफ्ट, ठीक है, तो
तो वो भी बोलता है यार एक बंदे की क्या है जगह है जहाँ आप चले जाए, जहाँ आपकी वाइफ चले जाए। तो आप सोचो इस तरह की सिचुएशन ठीक है ना आए। इसीलिए आज के टाइम में क्या है ठीक है, पहले शादियां दिन में होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आने जाने की, पर आज शादियां क्या होती हैं, मोस्टली रात को होती हैं, तो रात को ही जाना। सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। फिर क्या आज के टाइम के अंदर ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए। सबसे जरूरी चीज आज क्या है, गुड हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हैं, अगर आप हेल्दी नहीं है तो पैसा आपके पास जितना मर्जी है वो एक ना एक दिन क्या होने वाला है, बैंक आपका खाली होने वाला है। क्योंकि आज हेल्थ के जो मतलब कि खर्चे हैं वो दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ठीक है। नॉर्मल हॉस्पिटल में आपका कोई करता, महंगे हॉस्पिटल में जाके क्या करना पड़ेगा अपना। महंगे हॉस्पिटल में जाके क्या करना कराना पड़ता है, हमें इलाज कराना पड़ता है। सर अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। हेमराज सर आपका डिवाइस म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। तो ट्रैवल बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको पेरेंट्स हेल्प ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम देखें ठीक है, तो पहला नंबर हमारी खुद की ही नहीं जरूरतें पूरी हो रही, तो हम पेरेंट्स की कहाँ से करें ठीक है। तो हर एक चीज का उसके बाद आ गया आपका ठीक है, गुड बैलेंस, बैंक बैलेंस ठीक है। आज के टाइम में हमें क्या चाहिए ठीक है, अगर हमारे पास बैंक बैलेंस होगा तो थोड़ा माइंड क्या रहेगा ठीक है, शांत रहेगा। अगर हमारे बैंक में पैसे नहीं है तो जैसे कोरोना के दौरान क्या हो गया ठीक है, एक सबके काम क्या हो गए, ठप हो गए, जिसकी वजह से आज हमें ये महसूस होता कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे होते तो हम एक अच्छा क्या कर सकते थे ठीक है, हमें कोई तंगी नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों कहने का मतलब कि ये हमारी नीड्स हैं, ये तो मैंने कुछ ली ऐसी बहुत सारी हैं, और फिर इन नीड्स को हम क्या करते हैं, छोटा करके क्या करते हैं, अपने इनकम सर्कल के जितना वो बना लेते हैं उसको इसी में फिट करने की कोशिश करते हैं। और जब ये फिट नहीं होती है तो फिर क्या होता है, एक स्ट्रेस हमारे माइंड के अंदर क्या होता है बनता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां, अगर मैं बोलूँ टॉप 10 बीमारियां जो है, जैसे क्या है, डायबिटिक है ठीक है, हार्ट, बीपी हो गया आपका, आर्थराइटिस, यूरिक कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर ठीक है, इस तरह की जो बीमारियां वो क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। और उसका मेन कारण क्या है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस किस चीज का है, पैसे ठीक है। अब आज हम आपके साथ बात करेंगे, जो हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो बिजनेस की बात मैं करने वाला हूँ आपके साथ, वो हमें एक मौका देते हैं कि ये वाले सर्कल को बड़ा करना चाहिए। पहले तो मैं ये आपको ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात कि इस सर्कल को छोटा करना चाहिए, नीड वाले सर्कल को, या इस सर्कल को बड़ा करना चाहिए। ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि हाँ भाई ये वाले सर्कल को बड़ा करें। अगर ये वाला सर्कल बड़ा हो जाएगा, जब ये नीड सर्कल से बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं, हम ड्रीम के बारे में सोच सकते हैं, ड्रीम कार के बारे में सोच सकते हैं। अभी जो गाड़ियां चलाते हैं ये तो नीड है हमारी, ड्रीम घर के बारे में सोच सकते हैं, कैसा घर बनाएंगे। पर कैसे होगा, जब आपका इनकम सर्कल क्या होगा, जब बढ़ेगा तब जाके हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और आज हम आपको एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम एमवे है, वो आपको ये एक मौका देती है कि भाई ये वाले सर्कल को बढ़ाने में हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक मौका देते हैं ठीक है। अगर आप क्या करोगे, हमारे साथ मिलके काम करोगे, जो भी काम आप कर रहे हो उस काम के साथ साथ अगर आप क्या करते हो, एक दो घंटा, अगर आप 2-3 घंटे अगर आप रोज लगाते हो, तो आपका ये इनकम सर्कल बढ़ सकता है अगर आप चाहते हो। और मुझे पता है कि इस मीटिंग के बीच में जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग ये चाहते हैं कि अपना इनकम सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं ठीक है। तो अब ये बोलते हैं कि एमवे आपको बोलता है कि अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लो, अगर आप क्या करोगे, 2-3 घंटे काम करोगे, 6 से लेके 12 महीने के अंदर एक लेवल मिलेगा आपको ब्रॉन्ज, और जिसकी इनकम हो सकती है 40,000 रुपया महीने की, पर मंथ ठीक है, पर मंथ इनकम हो सकती है 40,000 रुपया। आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर किसी काम के अंदर अगर 2-3 घंटे काम करके 6 से 12 महीने में 40,000 रुपया अगर साइड इनकम बन जाए ना, तो मैं तो कहता हूँ कि उस घर का जो है ना माहौल ही कुछ और हो जाएगा,
ठीक है, उस घर के अंदर खुशियां आ जाएंगी, ज्यादा नहीं कहता पर थोड़ी थोड़ी खुशियां क्या होंगी उनके घर में आई जाएंगी, क्योंकि 40,000 बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर आपको 10,000 रुपये इस बिजनेस से आएगा ना तो आप छलांगे लगाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पर 40,000 रुपये एक अच्छा क्या एक अच्छा अमाउंट होता है जो हम इतने से समय में कमा सकते हैं। इसी काम को अगर 2-3 घंटे काम करेंगे, ठीक है, तो 1 से 2 साल के अंदर एक लेवल अचीव कर सकते हैं प्लेटिनम, जिसकी इनकम 80,000 से लेके लगभग 1,00,000 रुपए महीने की हो सकती है। इसी काम को अगर 2-3 घंटे काम करेंगे, ठीक है, 2 से 3 साल लगेंगे और एक लेवल मिलेगा एमरल्ड, जिसकी इनकम होगी 3 से लेके 4 लाख रुपए महीने की। ठीक है, और हम लगते हैं कि हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो दोस्त हैं विजय और दीदी कैलाश, आज वो इस लेवल पे हैं और फाउंडर एमरल्ड है। ठीक है, एमरल्ड से भी एक पिन ऊपर होती है फाउंडर एमरल्ड, और आज वो फाउंडर एमरल्ड और इस इनकम को क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, आज सोचो हमने इधर इनकम सर्कल बढ़ाने की बात की, तो वो इनकम सर्कल क्या किया उन्होंने, जैसे जैसे उस बिजनेस को करते गए उनका इनकम सर्कल बढ़ता गया, और आज भी इस बिजनेस के अंदर वो काम कर रहे हैं और उनका इनकम सर्कल क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। फिर उसके बाद अगर बात करें, यही काम 2-3 घंटे करेंगे और कम से कम 2 से 5 साल के अंदर अंदर, जब 5 साल लग जाए तो एक लेवल मिलेगा डायमंड, जिसकी इनकम 5 से लेके 6 लाख रुपया महीने की हो सकती है। अब जब इधर बात हो रही है 1 लाख रुपया महीना, 2-3 लाख रुपया महीना, 5-6 लाख रुपया महीना, ठीक है, जब हमें ये प्लान दिखाया गया था तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अपने अपलाइन को बोला कि मैंने कहा हमने इतनी देर होगी जॉब करते हुए, ठीक है, आज तक मुश्किल हम 50,000 की इनकम मतलब महीने की बनाने तक नहीं पहुंचे, तो इधर 1 साल के अंदर कैसे 1,00,000 रुपया बन सकता है, तो मतलब क्या था कि हमारे इधर क्या नहीं थी, ठीक है, वो फाइल नहीं थी 1,00,000 रुपये वाली, क्योंकि जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, जिस मतलब कि सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हमें वहां 20-25,000-30,000 रुपये ही सिखाया जाता था कि इतनी इनकम हो तो आपका जो मतलब कि सर्कल है वो बहुत बढ़िया चलेगा। पर जैसे जैसे हम इस बिजनेस के अंदर बढ़ते गए और जैसे जैसे हम इसके बारे में जानते गए, तो तब जाके हमारा ये माइंड खुला, नहीं तो हम क्या होते। ठीक है, जैसे उन्होंने 1,00,000 रुपया बोला, मैंने सोचा हमारे बस का काम नहीं है। ठीक है, पर आज अगर हम देखें 1,00,000 रुपया, अब बच्चों जो आज की जो जनरेशन है, अगर उसको पूछेंगे ना गाड़ी कौन सी चाहिए, ठीक है, तो वो बोलेंगे बुकाटी, जिसका नाम ही नहीं हमने सुना। एक दिन मेरे अपनी बेटी को, मेरी बेटी मेरे को फोटो दिखा रही थी, पापा ये वाली गाड़ी लेंगे, तो उस गाड़ी का मैंने पूछा बेटा कौन सी गाड़ी है, कहती बुगाटी है। नहीं सॉरी, उसने मुझे बोला पापा हम जब आप डायमंड हो जाएंगे हम बुगाटी गाड़ी लेंगे, तो मैंने तो नाम ही नहीं सुना था उसका। मैंने पापा वो कौन सी गाड़ी होती है, उसने फटाफट नेट से निकाल के मुझे बताया पापा ये वाली गाड़ी होती है। तो मैंने फिर जब उसको क्या किया, जब उसका प्राइस मैंने उसके ऊपर गूगल किया, तो मैं हैरान ही रह गया, 8 करोड़ रुपए की गाड़ी। ठीक है, तो मैं सोच रहा था, अभी हम किसी के घर गए थे तो मैंने उनको पूछा बेटा, अभी वो मतलब कि 10-12 साल का लड़का है, तो मैंने उसको बेटा आपको गाड़ी कौन सी पसंद है, कहता BMW। मैं कितने की आती है, कहती 65,00,000 रुपए। सोचो यार, हम तो ये चीजें सोचते भी नहीं थे, पर जब हमें ये चीजें बताई जाती थी तो हमारे दिमाग में ये चीजें आई नहीं। पर एक बात हमारी अपलाइन ने बोली, उन्होंने बोला कि हमारा एक सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, अगर आप उसके साथ जुड़ोगे तो आपको अगर 3 महीने आपने इस सिस्टम के साथ रहना है, 3 महीने आपने इस मीटिंग को सुनना है, अगर आपको विश्वास हो जाए कि आप भी 1,00,000 रुपये महीने का कमा सकते हो तो ये बिजनेस कर लेना, नहीं होगा तो आपकी नौकरी तो है, इसमें कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने बोला यार हमारा जाना क्या है इस बिजनेस के अंदर, हमने कौन से तो हेलो पंकज आवाज आ रही है? हाँ जी सर अभी आ रही है। हेलो, तो जब हम इस मीटिंग के आना अंदर आना शुरू किया तो मैं 2-3 मीटिंग ही अटेंड की तो 3 हो गए यार। अगर मैंने कुछ ऐसे लोग वहां पे देखे कि जो हमसे भी मतलब कि
मतलब कि हमारे स्टेटस से भी कम स्टेटस के लोग थे, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब थे। फिर हमने सोचा यार अगर ये लोग कर सकते हैं, 10वीं पढ़े बंदे कर सकते हैं, 10वीं फेल बंदे कर सकते हैं, ठीक है, एक डॉक्टर कर सकता है जो क्या ना डायरेक्टर रिटायर है, एक इंजीनियर कर सकता है जिसके जहां तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने जब देखा तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बना, तो हमने देखा कि ऐसे मतलब हर एक किस्म का आदमी उस मीटिंग के अंदर था। जब वहां पे रिकग्निशन होती है, इंट्रोडक्शन होती है, उन्होंने जब बताया तो हमें भी लगा नहीं यार अगर इतने लोग कर रहे हैं तो जहाँ तो वे जे भी कामयाब होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो हमें एक विश्वास बना। वो विश्वास कैसे बना, जब हम मीटिंग के साथ जुड़े, कुछ लोगों के साथ साथ मिले, उनका एक्सपीरियंस हमने सुना, तो हम क्या हो गए, हमने भी बिजनेस शुरू किया। और मैं आपको बताऊं ये जितनी इनकम यहाँ पे जो बताई जा रही है कि इतने इतने टाइम में आपको ये इनकम बनेगी, तो इतनी इनकम आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं। हम पर्सनली उनसे मिल चुके हुए हैं, पर्सनली हमने देखा है उनके साथ, ठीक है। अभी आपने जब प्लान शुरू होने के बाद पहले आपने क्या देखा, हमारा एक वीडियो देखा सिंगापुर का, ठीक है। वो सारी चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर क्या हो सकती है, ठीक है, आपको मिल सकती है। तो ये जो इनकम होगी वो किस तरीके की होगी, पहला नाम परमानेंट होगी, ग्रोइंग होगी, अनलिमिटेड होगी, ऑनगोइंग होगी, पक्की इनकम, ठीक है, पक्का पैसा, एक बार बनाएंगे आता ही रहेगा, फिर वो बढ़ता रहेगा, ग्रोइंग अनलिमिटेड, ठीक है। इस तरीके की इसकी क्या खूबियां, ऑनगोइंग, हमारे बाद हमारे बच्चे को ट्रांसफर, ये जो वर्ड है ना हमारे बच्चों को जो ट्रांसफर होगा, ये मुझे बड़ा सुकून देता है। जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमें लगता है यार हम एक ऐसा काम करके जाएंगे, एक ऐसी इनकम बना के जाएंगे जो हमारे बाद हमारे बच्चों को वो वाली इनकम होगी। आज मैं जिस जॉब में हूँ, जितनी भी मेरी इनकम है, जो मेरी सैलरी है वो मेरे तक ही है, ठीक है, जो मेरी पोस्ट है मेरे तक ही है। अगर मेरे बच्चे को अगर क्या करना होगा, ये वाली इनकम बनानी होगी, तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी जीरो से स्टार्ट करके, फिर जाके वो उस लेवल पे पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर हमें जब ये बात सुनने को मिलती है कि ऑन गोइंग हमारे बाद हमारे बच्चों को इनकम जाएगी, तो उससे हमें और ज्यादा क्या होती है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, उसके रिवार्ड देख के काम करते हैं, ठीक है। अगर आप एमपी बिजनेस करोगे, पैसा तो आपको मिलेगा मिलेगा, इतना पैसा तो आपको मिलेगा मिलेगा, और इस चीज के साथ आपको क्या क्या मिल सकता है, अगर हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लें तो क्या मिलेगा आपको, रिवार्ड क्या होंगे इस बिजनेस के, सबसे बड़ी बात है रिवार्ड होंगे, पहला मर्जी पैसे की फ्रीडम, मनी की फ्रीडम मिल सकती है, पैसे से आजादी, पैसे कमाने वाली टेंशन को खत्म कर सकते हैं 5 साल के अंदर। फिर उसके बाद क्या है, टाइम की फ्रीडम, अगर हमारे पास पैसा है और अगर समय भी है तो सोचो लाइफ कैसी हो सकती है। और फिर क्या मिलेगी, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, पैसे कमाने की टेंशन खत्म, ठीक है, आप कहीं चले जाते हो आपको ये टेंशन नहीं है कि हमारे अगले महीने इनकम आएगी कि नहीं आएगी, वो वाली टेंशन को खत्म, अगले साल इनकम आएगी नहीं आएगी वो वाली टेंशन खत्म, ठीक है। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, एक बार इनकम बनाना है, एक बार डायमंड बनना है, उसके बाद आपकी जनरेशन को पैसा क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ल्ड टूर, हर साल फॉरेन घूम सकते हैं, फिर रिकग्निशन, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या होते हैं, रिकग्नाइज होते हैं, ठीक है। रिकग्निशन की अगर बात की जाए तो आज हर आदमी क्या होता है, रिकग्नाइज अपने रिकग्निशन के लिए क्या कर सकता है वो, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, ठीक है, कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे रिकग्निशन की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड ऐसी ऐसी मैगजीन के अंदर फोटोज आते हैं, जैसे अगर ये मेरे पास एक मैगजीन है, ठीक है, ये एक मैगजीन है, ठीक है, एमवे का ये मैगजीन है, जब 20 साल इंडिया में हो गए तो एमवे ने ये मैगजीन क्या हुआ, ये निकाला, और उस साल जितने भी लोग क्या हो गए इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो गए, उनकी क्या कर दी, ठीक है। अब ये डायमंड है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, ये डायमंड है इसके बिजनेस के अंदर, पिछले साल इनकी डेथ हो गई पर आज करोड़ों रुपया ये साल का बनाते हैं इस बिजनेस के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पूरे प्रोफाइल इनका वो दिखाया हुआ है। इस तरह का अगर आपका क्या हो, आपका भी रिकग्निशन हो सकता है। ये है प्रेमल जी हैं, ठीक है, एक आईएएस अफसर थे और इस बिजनेस के थ्रू आज बिल्कुल फ्री हैं। तो बहुत जबरदस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, सुशील जी हैं, कैप्टन थे नेवी के अंदर। ऐसे अगर हम देखें तो हमारी ग्रेट अपलाइन इस मैगजीन के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, विजय एंड कैलाश के साथ ही है, एक जबरदस्त क्लैपिंग हो सकती है, क्योंकि आज इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी अंदर क्या किया है,
एक होप दी है, एक उजाला। अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारा सपोर्ट किया है इस बिजनेस के अंदर उन्होंने हमें, तो मैं चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग एक हो जाए और दिल से क्लैपिंग कीजिए आप जहां जहां पे बैठे हुए हैं, तो इस तरीके का रिकॉग्निशन। और ये जो मैगजीन है कम से कम भी ना 10 लाख ज्यादा कॉपी छपी होंगी इसकी, ठीक है। देखो कितना बड़ा मोटा ये मैगजीन है, इसके अंदर जितने लोग हैं ये सारे के सारे फाइनेंशियल फ्री हैं। ये आज इतना कर चुके होंगे, अगर ये काम नहीं भी करेंगे तो इनके घर में कभी पैसा बंद नहीं होगा। जैसे आप सुबह आप एक बुक पढ़ते हो पैराबल ऑफ पाइपलाइन, उसके अंदर दो दोस्तों की कहानी सुनाई है, एक बाल्टी ढोने वाला और एक क्या करता है अपनी पाइपलाइन बिछाता है। जब उसकी पाइपलाइन पूरी हो जाती है तो वो आराम से क्या करता है, फिर वो उसको पैसे आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, उसकी पानी आता ही रहता है उसके नलके के अंदर, वो जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतने पैसे कमाएगा। तो उसी तरह ये हमारा एमवे का बिजनेस है। एक बार हमने क्या करना है, इस बिजनेस को बिल्ड करना है और फिर इनकम जो है हमारी क्या होगी, जनरेशन टू जनरेशन आएगी तो बहुत जबरदस्त रिकग्निशन हो सकता है। फिर क्या हो सकती है, गुड हेल्थ, ठीक है, एक बढ़िया हेल्थ हो सकती है। अगर आपके पास, मैंने पहले बोला, अगर आपके पास हेल्थ है तो आप बढ़िया क्या कर सकते हो, ठीक है, जीवन जी सकते हो, फिर वेल्दी हो सकते हो, हेल्प अदर दूसरे लोगों की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवार्ड है इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस को अंदर रिवार्ड जो है हर किसी का क्या हो सकता है, हर एक आदमी ये वाले रिवार्ड चाहता है। कोई इंसान नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हाँ भाई मुझे पैसे की फ्रीडम ना हो, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे पास समय ना हो, हर कोई क्या है। और आज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को जब हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं इस बिजनेस के लिए, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। टाइम क्यों नहीं है, पैसा कमाने के चक्कर में क्या हो रहा है, टाइम जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अगर आपके पास होंगी तो सोचिए दोस्तों लाइफ कैसी। आज हमारे ग्रेट अपलाइन विजय जी के पास ये सारी चीजें हैं, आज उनको पैसा, पैसे की फ्रीडम है, 4-5 लाख रुपए महीने के आए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी इनकम है, और कितना खर्च करोगे आप, ठीक है, 1 लाख रुपए कर दोगे, 2 कर दोगे, अभी तो कुछ बच रहा है। उसके बाद क्या है, टाइम है आज उनके पास, उनको सुबह उठ के ये नहीं जाना होता कि हाँ मुझे किसी को हाजिरी देनी है, मेरा कोई बॉस है या कोई मुझे कहीं कोई क्या करनी है, मतलब रिपोर्ट डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। वैसे वो कई बार बताते भी हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठा था, सैर करी, 6-7 बजे मैं बिजनेस हो गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये ऐसा लाइफस्टाइल हो सकता है फ्यूचर फाइनेंस सिक्योरिटी, ठीक है। और अब उनकी इनकम उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम क्या है, उनके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड, ठीक है। जिसकी इनकम किसी दूसरे के नेटवर्क में डिपेंड हो उसकी इनकम कभी बंद नहीं होती है। वर्ल्ड टूर की बात करें तो पिछले 10-12 सालों से वो हर साल फॉरन घूमते हैं, फिर रिकग्निशन आपको बता दिया, ठीक है, गुड हेल्थ, पहले से हेल्दी है और हेल्प अदर, बड़े सारे लोगों की हेल्प करते हैं। आप जितने लोग इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए आप सबको पता है कि हाँ भाई हमारी ग्रेट अपलाइन हमें क्या करती है, हेल्प करती है। अभी जूम का जो ये सिस्टम चल रहा है ये भी उनकी हेल्प से ही क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इस तरीके से ये रिवार्ड क्या हो सकता है, मिल सकते हैं। पर अब बात हमारे दिमाग में ये आती है यार, इतने सारे रिवार्ड लेने के लिए फिर काम भी बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है दोस्तों। काम बहुत सिंपल, अभी मैं वही बात करने वाला हूँ, काम बहुत सिंपल है। अगर आप ये सिंपल सा काम कर लोगे तो डेफिनेटली जो इनकम आप चाहते हो वो इनकम आप बना सकते हो। उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा काम है। देखिए जब भी कोई काम करना होता है, जब भी कोई बिजनेस करना होता है, तो बिजनेस होता है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट कौन बनाता है, फैक्ट्री बनाती है, और उस प्रोडक्ट को कौन इस्तेमाल करता है, हमारे कस्टमर। तो कस्टमर कौन है, हम सब कस्टमर है, दुनिया में हर आदमी क्या है, कस्टमर। अब ये जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट अगर यहाँ ने साबुन शैम्पू अगर फैक्ट्री ने बनाया, ठीक है, साबुन शैम्पू अगर फैक्ट्री ने बनाया, तो वो साबुन शैम्पू जो है वो सीधा कस्टमर को नहीं मिलता है, ऐसे बीच में एक मार्केट होता है, उस मार्केट के थ्रू होके हमारे घर तक पहुंचता है। जैसे कस्टमर ने अगर कोई साबुन शैम्पू पेस्ट कोई भी घर का अगर जरूरत का सामान है वो आपने लेना है तो कहाँ जाओगे, रिटेलर के पास जाओगे। ये रिटेलर कहाँ से लेके आया, किसी होलसेलर से, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, ये किसी जॉब ब्रांड एडवर्टाइजर से, ये किसे, फैक्ट्री से। और फैक्ट्री में जो चीज बनती है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है 30-40% क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है, और जब यहाँ पहुंचती है तो क्या हो जाती है 100%। 60-70% पैसा कहाँ जाता है, इस सिस्टम के अंदर जाता है। अगर आपने 30 रुपये 100 रुपया खर्च किया तो कितने जाएंगे, 70। अगर आपने 1000 खर्च किया तो कितने जाएंगे, 700। अगर आपने 10,000 खर्च किया तो इधर चल जाएंगे 7,000। अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 साल का कस्टमर का इस मार्केट के अंदर चला जाता है। ये एवरेज हमने ली है खाली 10,000 रुपया, कितने 10,000 रुपया अगर हम खर्च करते हैं तो
इधर तो पता ही नहीं चलता, इधर लोग 50,000 रुपये भी खर्च करते हैं, एक एवरेज मैंने ले लिया 10,000। इसी तरीके से अगर चलता जाए तो कस्टमर का लगभग 40 लाख रुपया उसकी 30-40 साल के अंदर क्या होता है, इधर चला जाता है। एक सर्वे हो चुका हुआ कि एक फैमिली जिसके अंदर मतलब कि दो लोग कमाने वाले हैं, वो पूरी लाइफ के अंदर 1 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। 1 करोड़ का 70% लगाओ, 70 लाख रुपए कहाँ चले गए, इस मार्केट के अंदर चले गए, इन लोगों के घर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि ये लोग क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, जो सर्विस देता है वो पैसे कमाता है, ठीक है। ये सर्विस दे रहे हैं और हम उस सर्विस के क्या दे रहे हैं, 70% पैसा दे रहे हैं। अपनी लाइफ में अगर हमने 70 लाख इस मार्केट के अंदर दे दिए तो सोचो जो चीजें हम अपनी लाइफ में चाहते थे वो हमें तो नहीं मिली, पर इस 70 में जो लोग काम कर रहे थे उनको मिल गई। पर इन सबको अगर हम बात करें, ये सभी लोग अमीर लोग, ठीक है। अगर हम देखें जो चीजें हम अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं वो हमारी तो पूरी नहीं होती, पर ये इन लोगों की जरूर पूरी होती है। और उनको पूरा करने का जो जिम्मा है वो किसने लिया हुआ है, कस्टमर ने। ये सारी की सारी पावर किसके पास है, इन लोगों को अमीर करने की पावर किसके पास है, कस्टमर के पास। अगर कस्टमर इनको अमीर कर सकता तो सोचो अगर इसको समझ आ जाए कि भाई अगर कुछ चेंज करने से मैं अमीर हो सकता हूं तो डेफिनेटली क्या होगा, ये कस्टमर भी अमीर हो सकता है। आज वही आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इनको अमीर कर सकते हो तो अपने आप को कैसे अमीर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। और आज तक हम इधर जाते थे तो पैसा जा रहा था, अब 1959 के अंदर एमबे ने इसको स्टडी किया, उसने बोला भाई सारी पावर कौन है, कस्टमर के पास है और बनाने वाला क्या है, फैक्ट्री है, हम भी प्रोडक्ट बनाएंगे और सीधा कस्टमर, जब सीधा कस्टमर को देंगे तो क्या होगा, पहला नंबर 70% पैसा क्या होगा, कस्टमर का सेफ हो। और इधर से जब घूम के प्रोडक्ट आते थे तो प्रोडक्ट के अंदर क्या आ जाती थी, डुप्लीकेशन आ जाती थी, ठीक है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते थे, फिर एमआरपी के ऊपर मिलते थे, तो इस तरीके से एमआरपी पे आप लोग मिल रहा है। इधर आपको एमबे ने बोला कि हाँ भाई आप मेरे साथ क्या हो जाओ, रजिस्टर हो जाओ। रजिस्टर आप दो तरीके से होते हैं, या तो आप कस्टमर बन सकते हैं या फिर एडीआर बन सकते हैं, एडीएस बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट, जहाँ जो भी है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड। इस तरीके से आप रजिस्टर हो गए, रजिस्टर होने से आपको क्या होगा, यहाँ पे रजिस्टर होने पे आपको क्या होगा, पहला नंबर आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर 6% क्या मिल जाएगा, एमआरपी से डिस्काउंट मिल जाएगा, 6% आपके अकाउंट में आ जाएगा वापस कैशबैक, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप यहाँ से लोगे उसकी 30 दिन की गारंटी होगी, 30% इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए तो 100% पैसे क्या हो सकते हैं, वापिस हो सकते हैं। सोचो 200 प्रोडक्ट होंगे ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आज हमें अगर हेल्दी रहना तो कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, ऑर्गेनिक करने चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल हो। मार्केट के अंदर आपने सभी ने डेमो देखे हैं, ठीक है, और डेमो के अंदर हम देखें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल है जो हमें क्या कर रहे हैं, बीमारियां लगा रहे हैं। तो अगर आप बताओ कोई ऐसी दुकान आप खुल जाए आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, जिसमें डिस्काउंट भी मिले, कैशबैक भी आए, गारंटी भी मिल जाए, 30 दिन 30% इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप इस दुकान का फायदा ले सकते हो। तो इस तरीके का क्या ले सकते हो, फायदा ले सकते हो। अगर हम ये देखें इस तरह के क्या हमारे प्रोडक्ट आते हैं, अगर हम ये देखें, ये एमवे का आंवला है, ये मार्केट का आंवला है, ठीक है। अगर हम इस आंवले की बात करें तो ये 180 ml है, 88 रुपए में मिलता है, और ये 200 ml है, ये 80 रुपए में मिलता है, और 200 ml है 80 रुपए में मिलता है। और इतना प्रोडक्ट अगर हम क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें, है ना, इतना प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल कर लें तो ये खुला हुआ प्रोडक्ट वापस हो सकता है। कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट ले लो, चाहे न्यूट्रिशन है, चाहे वो होम केयर है, पर्सनल केयर है, इस तरीके की आपको क्या मिलती है, गारंटी मिलती है। आप सोच सकते हैं अगर इस तरीके की गारंटी कोई कॉर्पोरेशन दे, कोई दुकान दे, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो हमारे लिए फायदेमंद है और ठीक है, उसका हमें फायदा हो सकता है। तो एमवे जो गारंटी देती है इसलिए देती है क्योंकि इसको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या है, विश्वास है कि एक बार कोई बंदा क्या होगा,
ठीक है, अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो दूसरी बार भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। जब हम जहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें अच्छे लगेंगे, जब अच्छे लगेंगे तो कंपनी कहती है जब प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या करो, पहले आपने यूज किए हैं, अभी आप क्या करो प्रमोट करो। ये प्रमोट करके आप क्या कर सकते हैं, जो इनकम हमने पीछे बात की, इस प्रमोशन से आप उस इनकम वाले सर्कल को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। कैसे, एक लिस्ट बनाएंगे लोगों की और जब उनके साथ बात करेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग क्या होंगे, हमारी तरह ड्रीमर होंगे, हमारी आपकी तरह ड्रीमर होंगे, वो बोलेंगे यस यार इसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वो फिर इधर मार्केट को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे साइड, ये लोग क्या करेंगे, वही इनके साथ होगा, ये कुछ आगे लोगों का एक नेटवर्क बनाएंगे, ये आगे नेटवर्क बनाएंगे, ये आगे नेटवर्क, तो ऐसे करते करते क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन, ठीक है। अब जब नेटवर्क बन जाएगा तो अब जो इनकम होगी, जो आपको इनकम आएगी वो आपकी एफर्ट तो होगी होगी थोड़ी बहुत, पर इनके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, इन लोगों के ऊपर जिन लोगों को हम क्या करेंगे इस बिजनेस में लाएंगे और डुप्लीकेट करेंगे। ये बिजनेस है क्या करना है, पहले खुद सीखना है, जो आपने इस बिजनेस के बारे में सीखा है वो आपने क्या कर देना, दूसरे लोगों को सिखा देना। अगर आपने 4-5-6 लोगों को डुप्लीकेट करके ये सिखा दिया, ठीक है, वो आगे किसी को डुप्लीकेट कर देंगे, तो वो आगे किसी को डुप्लीकेट कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस तरह से क्या होगा, डुप्लीकेशन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो एक दिन आपका जो नेटवर्क होगा वो अनलिमिटेड होगा, ठीक है। जब अनलिमिटेड आपका नेटवर्क होगा तो आपकी जो इनकम होगी वो भी अनलिमिटेड होगी। आप सोच के तो देखो, आज विजय सर के टीम के अंदर कम से कम भी मेरे ख्याल कोई 10,000 के लगभग लोग होंगे। अब 10,000 लोग, उनमें से अगर मैं कहता हूँ 2,000 भी अगर इस बिजनेस को क्या करता है, ठीक है, इस बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करता है, तो तब भी 200 देखो कितनी बड़ी इनकम हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ऐसे क्या हो सकता है आपका जब नेटवर्क बनेगा। और दूसरा, आपने एक सिस्टम के साथ जुड़ जाना है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम है ये आपको एजुकेट करता है कैसे, जैसे बुक्स के थ्रू है, पीएमए बुक्स होती हैं वो रिकमेंड करते हैं, जैसे सुबह मीटिंग के अंदर या बहुत सारी अपनी छोटी छोटी मीटिंग के अंदर आप क्या करते हैं, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ सीरीज होती हैं, जैसे आपने पहले जब आपने लिंक इसके साथ जुड़े थे तो एक डायमंड को आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज होते देखा, उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी सुनी। तो ऐसे क्या होता है, ये उनको हम सुन के उनका फेथ लेके हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, बुक्स हो गई, मीटिंग्स हो गई, सीरीज हो गई, तो ये सारी चीजें हमें क्या देती हैं, कि एसोसिएशन देती है। सबसे बड़ी बात है कि हमें एक मेंटर मिलता है, एक गाइड मिलता है, हमें एक गुरु मिलता है इस बिजनेस के अंदर, जिसकी एसोसिएशन से हम इस बिजनेस के अंदर क्या हो जाते हैं, दिन ब दिन ग्रो करते हैं। और हम तभी ग्रो कर सकते हैं अगर हम किसी को, किसी की मेंटरशिप के अंदर काम करें, ठीक। तो इस तरीके से क्या बन सकता है, नेटवर्क बन सकता है। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कितना आसान काम है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली बात यह कि क्वेश्चन है हमारे आगे, हमारे लिए, कि क्या हम पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपके पास, ठीक है, ये इस सवाल का जवाब है कि आप पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है। आजकल तो मैं यही कुछ लोगों को यही पूछता हूँ कि भाई अगर आपको 1,00,000 रुपए महीने का बने तो क्या आप उस काम को देखना पसंद करोगे, ठीक है, हाँ या ना, बस, ठीक है। जो हाँ कहेगा उसको बोलेंगे हम बैठ के बात करें, जो ना बोलेगा कोई बात, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा फिर, अगर हमने ये बात सुन ली और किसी ने को पूछ ली कि भाई 1,00,000 रुपए महीने का बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सी बात करेंगे कि कैसे बन जाएगा ये। सिर्फ सिंपल सा काम है, अगर ये कर ली, सिंपल काम वैसे होते नहीं, सिंपल काम करने के लिए क्या होता है, बंदा क्या होता है, ठीक है, उसको लगता है थोड़ा, मतलब या तो समझ में नहीं आता, किसी की बात कहते हैं, अपनी ही बात करते हैं हम, ठीक है ना। हम सिंपल काम को क्या सोचते हैं, यार ऐसे ही है, ऐसे हो जाएगा। सिंपल काम को हम इजिली लेते हैं, इसलिए वो होता नहीं। अभी हम एक सिंपल सा काम करके आपको बताएंगे कि कैसे इस बिजनेस के अंदर आप 1 साल में 1,00,000 रुपए महीने का बना सकते, ठीक है। तो उसको हमने हमने क्या बोला था, डुप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम जो इधर एक बार हमने सीख लिया, सीखना क्या है, प्लान दिखाना और डेमो करना, अगर ये दो चीजें हमने सीख ली तो ये वंडर्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर। कैसे हो गए, मान के चले आप क्या कर, आपने ये बिजनेस सीख लिया, अब आपने शुरू किया, तो आप पहले आपने जब शुरू किया, आपने सीख लिया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर लिया और एक आदमी को आपने ऐड किया, तो टोटल कितने लोग हो गए, दो लोग डुप्लीकेट हो। जब दो लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे, और हमने क्या करना है,
ठीक है, हमने क्या करना है, खुद सामान यूज करना है, और जब खुद सामान यूज करेंगे, किसी से बात करेंगे तो उसको भी यही चीज बताएंगे, और हमने भी प्लान करना सीखा, डेमो करना सीखा, इसने भी सीखा, तो दो लोग गए, दो लोग टीचर बन गए, डुप्लीकेट हो गए, यही लोग क्या हो गए, ठीक है, यही लोग अगले अगले महीने में अगर एक एक आदमी को क्या करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, टोटल कितने हो गए, चार। अब इस तरीके से अगर हम चलते जाए तो कितने हो जाएंगे तीसरे महीने में, आठ, फिर कितने हो जाएंगे, सोलह, फिर बत्तीस, फिर 64, फिर 128, 256, 512, 1024 और 2048, 4096। अगर हम महीने काउंट करेंगे तो क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, 12 महीने के अंदर कितना नेटवर्क बन सकता है, 4096 लोगों का। पर हम कितने कर रहे हैं, एक हर महीने एक आदमी को जोड़ है, एक आदमी को जोड़ सकते हैं। अगर हम इतना सा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इतना बड़ा नेटवर्क होगा। और अब खूबसूरत बात यह है कि अगर हम क्या करते हैं, खाली ये सोचते हैं कि अगर हम एक एक हजार रुपया ही खाली क्या करते हैं, अंडे का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसे करते करते अगर आप यहाँ क्या करोगे, 4096 लोग होंगे तो आपकी जो सेल है वो लगभग 40,96,000। जब 40,96,000 रुपए की सेल होगी, इसका जो 21% कमीशन आपको बनेगा वो लगभग बनेगा आपका 8 लाख, लगभग 8 लाख कमीशन बनेगा। जब 8 लाख कमीशन बनेगा तो क्या आपको 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपए आपके हिस्से में नहीं आएंगे, बाकी वाला 5-6 लाख रुपया हमने बांट दिया बाकी नेटवर्क में, पर 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपको तो आएगा ही, ठीक है। अगर कोई बंदा, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, अब कई बार अभी मैं किसी से थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, कहता यार प्रोडक्ट ही बड़े महंगे हैं तो कैसे ये बिजनेस करेंगे, ठीक है, मैं एक मीटिंग कर रहा था तो उसमें बंदा बोला प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं तो बिजनेस करेंगे। मैं यार, अगर तेरे को 1,000 रुपया खर्च करके अगर तेरे को 1 साल के अंदर क्या हो सकता है, 1,00,000 रुपया बन सकते हैं, तो फिर हमें प्रोडक्ट महंगे देखने चाहिए या अपनी इनकम देखनी चाहिए, ठीक है। तो बाहर बोलता नहीं, इनकम देखनी चाहिए। तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी चीज को अगर 2,000 का किया जाए, इसी चीज को 5,000 के 10,000, जितना आप चाहो उतना आप कर सकते हो, पर कम से कम अगर आप 1,000 रुपया हर महीने इस एमवे के अंदर इन्वेस्ट करोगे और एक आदमी को अगर आप ज्वाइन करोगे, सोचो दोस्तों, आपने पूरे साल के अंदर 12 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया और आपके पैसे लग गए 12,000। 12,000 खर्च करके अगर 1,00,000 रुपए का महीने का बंदा हो, तो दोस्तों इससे आसान काम कौन सा है, आप मुझे बताओ, इससे भी कोई आसान काम है तो फिर उसको कर लेते हैं, इसको क्यों कर लेते, कोई नहीं है, इससे आसान कोई काम है ही नहीं। हमने सारे काम करके देख लिए, उसके बाद ही हम क्या हो गए, ठीक है, और हम और काम के चक्कर में पड़ते, हमारी जो ग्रेट अपलाई ना, हमने इसी काम को पकड़ा, आज वो हमसे कई मतलब की गुना आगे चले गए। तो ऐसे आप दो, अगर आप 2,000 रुपया खर्च करोगे हर महीने इस बिजनेस, 12 लोग आप स्पॉन्सर करोगे, 24,000 लग जाएगा, ये 24,000 खर्च करके अगर आप क्या होगे, ठीक है, अगर आपको 2-3 लाख रुपए महीने का बने तो सोचो दोस्तों जीवन कैसा हो सकता है। बहुत बढ़िया बिजनेस है, नाम बता नहीं सकते आपको कि ये, अगर आपने एक बार जैसे भी जिद जुद करके अगर आपने ये बिजनेस बिल्ड कर लिया ना, आपकी पुश्तें आपको याद करेंगी, यस, हमारे किसी खानदान में किसी बंदे ने ये बिजनेस बिल्ड किया था, आज हम क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे लीडरों को जानते हैं जिनकी फैमिली है, जिनके बच्चे आज इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितना पैसा है और हमें पैसा कमाना भी है कि नहीं कमाना, ठीक है। ये इतना बड़ा, ये समुंदर है अंदर बिजनेस बस, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इस बिजनेस के अंदर रहते हैं, ट्रैक पे रहते हैं, वो लोग हमेशा इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं। जो लोग एमबीए छोड़ के निकल जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैंने भी एमबीए किया था, भाई क्या किया था, आप निकली गए बिजनेस से तो कामयाब कहाँ, अगर आप टिके रहते इस बिजनेस के अंदर, टिके रहते अपनी अपलाइन के अंदर साथ, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब होते। क्या होता, मैं कहता हूँ डायमंड नहीं होते तो प्लैटिनम होते, फाउंडर प्लैटिनम होते, एमराल्ड होते, कुछ ना कुछ तो होते, ठीक है। बस सुबह जब हम मीटिंग कर रहे थे तो हमारी ग्रेट अपलाइन ने बोला था, उन्होंने बोला था ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, अगर आपने कुछ लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बना लिए
तो डेफिनेटली उस रिलेशन की वजह से लोग क्या हो जाते हैं इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। विजय सर ने हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, फैमिली रिलेशन बनाए, और जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में क्या हो गए, हम उनकी दोस्ती के चक्कर में इस बिजनेस में क्या हो गए, कामयाब हो गए। इससे बढ़िया और क्या काम है, बहुत सिंपल सा काम है। अगर आप इतना सा काम कर लें, ठीक है, रात को सोच के तो देखें, ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन पकड़ लें, यार हमने यही पूछना, यार 1000 रुपए खर्च करके अगर आपको 1 लाख रुपए महीने का बनना शुरू हो जाए तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को देखना पसंद करोगे? क्या बोलेगा आदमी? यस, हाँ देखना पसंद करोगे। दिखाइए ये प्लान, ठीक है, उसको ज्यादा लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको जब ये चीज बतानी है, मिडिल मैन दिखाना है, उसको बोलना भाई क्या एक आदमी को भैया हर महीने इस बिजनेस के साथ जोड़ना है। सिंपल काम जरूर है पर एक्शन करना पड़ता है, तब जाके ये बिजनेस होता है, तब जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये, जो भी आपका सपना है, ठीक है, वो आप इस बिजनेस के थ्रू पूरा कर सकते हैं। जो भी सपना आप, मैं कहता हूं आप सपना लिख के बताओ कि मेरा ये सपना है, क्या पूरा हो सकता है? डेफिनेटली हम आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका ये सपना कैसे पूरा हो सकता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं पर वो अपने सपने क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है, अगर उनका सपना क्लियर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ठीक है, वो बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। पर जब तक सपने क्लियर नहीं होते हैं तब थोड़ी देर के लिए वो क्या करता है, ठीक है, बिजनेस को करता है, पर जब उसका सपना उसको लगता है कि हाँ भाई उसका सपना ही नहीं, वो क्यों आगे जाएगा? वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो बार बार देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है या मुझे मोटिवेट करती है, तो इसलिए हो सकता है आपको बहुत बार मैंने आपने मेरे से सुनी भी होगी, ठीक है। अगर आपका सपना है, अगर आपका कोई गोल है, ठीक है, आप तभी वो काम करेंगे, आपका कोई कारण है तभी आप उस बिजनेस में कामयाब होंगे। जैसे मान के चले अभी किसी को क्या कर दें, ठीक है, किसी को दिल्ली भेज देते हैं, टिकट शिकट लेके जा पे दिल्ली, ठीक है, बस में बिठा दिया, जैसे हम लोग क्या करते हैं यारी दोस्त के ऊपर कर ले यार, हम भी दे आधार कार्ड दे बैंक अकाउंट ज्वाइन करवा देते हैं, पर उसका क्या नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, तो फिर हम उसको बार बार फोन करते रहते हैं, फिर वो मीटिंग में नहीं आता, फिर हम वैसे हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक। पर अगर हम देखें, अगर हमने किसी को टिकट लेके दिल्ली जाने के लिए बोल भी दिया है तो पर क्या वो चला जाएगा? नथिंग, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आगे बड़ी ब्राह्मणा जाके उतर जाएगा। पर अगर उसका कारण होगा, उसका कारण बना के अगर हम क्या करेंगे, उसको दिल्ली भेजेंगे, ठीक है, अगर उसको हम ये बोल दें कि हाँ भाई तेरे को 10 करोड़ मिलेंगे जाके दिल्ली में, ठीक है, 5 करोड़ तेरे 5 मेरे, ठीक है, फिर उसको ये बताने की जरूरत नहीं है भैया कैसे जाना है, दिल्ली कैसे जाना है, फिर साइकिल पे जाना है, पैदल जाना है, हवाई जहाज पे जाना है, ट्रेन में, बस में, अपनी गाड़ी करके जाना, वो किसकी जिम्मेदारी है? फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह इस बिजनेस के अंदर अगर आपका कारण, आपका कोई ड्रीम अगर इस बिजनेस के अंदर है, तो जिसका भी ड्रीम होगा फिर उसको ये बताने की जरूरत नहीं है भाई आप मीटिंग में आओ, आप जूम मीटिंग अटेंड करो, आप डेमो दिखाओ, आप ये करो, कुछ नहीं। वो उसका अपना माइंड क्रिएशन करेगा, मैं इस बिजनेस में कैसे कामयाब हूं। जब उसका ड्रीम होगा तो वो अपनी अपलाइन को पूछेगा, मैं आज मेरे को सिखाओ, मेरे को डेमो बैग दो, मेरे को क्या दे दो, लिटरेचर दे दो, वो खुद मांगेगा, वो खुद सीढ़ियां सुनेगा, ठीक है। अभी हमारी बहुत अच्छी एक अनदर टीम बन रही है, तो उस टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर आए हैं जो खुद ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि उनके सपने क्लियर हैं कि हमने क्या करना है, इस बिजनेस के अंदर ये वाले लेवल पे पहुंचेंगे और इस लेवल पे इतनी इनकम बढ़ेगी, उस इनकम के साथ हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत शॉर्ट टाइम, शॉर्ट क्या पता नहीं अब कितना टाइम हो गया, मैंने कितना टाइम ले लिया, तो बहुत बढ़िया, आज मैंने जितना मेरे से बेस्ट हो सकता था मैंने किया, क्योंकि आज जॉब के अंदर बहुत सा स्ट्रेस भी था, जिसकी वजह से पता नहीं, मैं जो भी मेरी बातें अच्छी लगी होंगी उनको आप रखना, जो मेरी अच्छी बातें नहीं लगी होंगी आप छोड़ देना इस बिजनेस के अंदर। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, सपने आपके हैं, पूरे आपने करने हैं, ये सिस्टम आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये अपलाइन, ये जूम मीटिंग आपको हेल्प करेगी उस सपने तक पहुंचने के लिए। तो बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारी ग्रेट अपलाइन का, और अगर बात करें तो परमात्मा का, तभी हम इस बिजनेस के अंदर हैं। आप जितने लोग इस बिजनेस के अंदर हैं आपके ऊपर भी परमात्मा की ब्लेसिंग है कि आप इस बिजनेस में हो। और मैं एक आपको दावे के साथ बात कह सकता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में टिके रहोगे, अपलाइन के साथ जुड़े रहोगे, इस मीटिंग के साथ जुड़े रहोगे, सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे, डेफिनेटली अगले 5 साल के अंदर आप एक बहुत ही अच्छी इनकम बना रहे होंगे
और वो जो इनकम बन रही होगी वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं होगी, आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होगी। अब मर्जी आपकी है कि एक नेटवर्क के नेटवर्क बना के इनकम बनानी है या अकेले काम करके इनकम बनानी है। अकेले काम करोगे आपकी इनकम जीरो आपके तक ही रहेगी, और अगर आप नेटवर्क बना के इनकम बढ़ाओगे वो इनकम आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफर होगी। थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त तरीके से सिंपल वे में आपने इस प्रेजेंटेशन को हमारे साथ शेयर किया है। आई होप कि सबको आज समझ आया होगा, और जिनको नहीं समझ आया है वो प्लीज अपने अपलाइन के साथ बैठें, उनसे कंसल्ट करें, उनके साथ डिस्कस करें, और कल फिर से इस मीटिंग के साथ ज्वाइन करें, और बहुत बढ़िया हो सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम अनम्यूट करके सभी लोग जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, और बहुत जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं सर, बहुत जबरदस्त प्लान हुआ है, रियली बहुत जबरदस्त प्लान आज आपने हमारे साथ शेयर किया है, सो थैंक यू। अभी जैसे सर बात कर रहे थे रिकग्निशन की, तो अभी आओ देखते हैं कैसे एमवे सेलिब्रेट करता है, कैसे रिकग्नाइज करता है, किस तरह की सेलिब्रेशन एमवे कराता है। Brand new platinum, Mr. Hemraj Verma and Pooja Verma on the stage. इनकी भी स्टोरी सुनने का समय आ गया है। हेमराज वर्मा एंड पूजा वर्मा, हाँ जी सबको नमस्कार। एक्साइटेड हो? यस। कितने लोग कहते हैं कि एमवे नहीं चलता है? और कितने लोग सोचते हैं कि एमवे दौड़ता है? yes! आज तो लग रहा है फ्लाई हो रहे हैं। yes! ऐसा हो रहा है? yes! तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स करते हैं उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें इंसान बनाया और एमवे अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में लाई। ड्रीमर तो हम बचपन से थे, फिल्में देखते थे, सोचते थे हमारी भी जिंदगी ऐसी होगी, पर थैंक गॉड एमवे एक रास्ता है, वो वैसी जिंदगी हम जी सकते। तो इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं चाहता हूँ कि माई ब्यूटिफुल वाइफ जिसने बहुत साथ दिया मेरा इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, पिछले महीने इनकी सेहत भी ठीक रही थी, बहुत अच्छी सेहत थी, फिर भी हमने किसी को बताया नहीं कि भाई इनकी सेहत बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जहाँ जाते थे प्लान करके आते थे, उनको भी नहीं पता चलता था कि हाँ भाई इनकी सेहत ठीक है, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी प्लेटफॉर्म जाने की। तो मैं चाहता हूँ आप इनको जरूर सुनिए, मेरी बैकबोन इस बिजनेस की, पूजा वर्मा। सबको नमस्कार, पूजा वर्मा बिजनेस वुमन। सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ परमपिता परमात्मा का, जिनकी जिन्होंने हमें इस बिजनेस में टिके रहने की ताकत दी। उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ अपने फैमिली का जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ अपनी ग्रेट ग्रेट अपलाइन विजय भैया और कैलाश दीदी का जिन्होंने
हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखा और आज हम आपके सामने हैं। और उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ अपनी ग्रेट ग्रेट टीम का, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बहुत हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसी टीम मिली, मैं चाहती हूँ सबको ऐसी टीम मिली। उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का, जिन्होंने बहुत मेहनत की और प्रूफ करके दिखाया। सो बहुत बढ़िया दोस्तों, जैसे आपने अभी देखा, जैसे ही हम सक्सेसफुल होते हैं इस बिजनेस में तो हमें अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिलता है इतनी बड़ी स्टेज से। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अभी चलते हैं इस मीटिंग के नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम कहते हैं रिकग्निशन पार्ट। और आज हम 12% एंड अबव लीडर्स को रिकोगनाइज कराएंगे यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि सभी 12% एंड अबव लीडर्स अपने नाम के साथ अपना पिन मैंशन कर ले। सबसे पहले नए लोगों का वेलकम करता हूँ आज जो पहली बार इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें। और उसके बाद हम 3%, 6% और 9% अचीवर्स का भी थैंक्स करते हैं, वेलकम करते हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेवल पर, 12% लेवल। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम 12% लीडर्स को भी रिकॉग्नाइज कराएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा, हमारे बीच में 12% लीडर हैं, मिस्टर अर्पण एंड ज्योति खजूरिया जी। सभी लीडर से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सिर्फ नेम, प्रोफेशन और कहां से बिलोंग करते हैं शेयर करेंगे हमारे साथ। अर्पण एंड ज्योति खजूरिया जी आप अनम्यूट कर लीजिए। इनके बाद कल्पना एंड आशीष कुमार रॉय जी प्लीज रेडी। अर्पण जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लीडर हमारे साथ है कल्पना एंड आशीष कुमार रॉय। इनके बाद करण एंड अंजू जी रेडी रहे। सबको नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार रॉय, my former inspector BSF from Calcutta. Karis bhai all. Namaskar sabhi ko, mera naam Kalpana, main home maker hu. Thank you. Thank you. So next leader hamare sath hain Karan and Anju ji. Inke baad Toshi Devi ji ready rahe. करण एंड अंजू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम करण है, गौरव बता हूँ, जॉब के साथ साथ इस काम को पैशनली तरीके से भी लगा रहे हूँ मैं और मेरी वाइफ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट 12% लीडर हमारे साथ है तोशी देवी जी। इनके बाद मनीषा एंड परवेश मेहरा जी प्लीज रेडी रहे। हेलो, सबको नमस्कार है, मेरा नाम तोशी देवी है, एक नंबर बोला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लीडर है मनीषा एंड परवेश मेहरा जी। इनके बाद बबीता एंड नसीब सिंह जी रेडी रहे। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर एमए बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से पैशनेट वे से बिल्ड कर रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया बिजनेस।